दिखाते हैं अंदर से। झोले टांग रखे ये कैमरा जा रहा है नीचे 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 हेलो गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम जाएंगे, मैं और मेरी फ्रेंड रिलायंस मार्केट जाएंगे। रिलायंस मार्ट है शायद, कुछ ऐसा ही है, वो लेके जाएगी। मैं उसके साथ जा रही हूँ देखने कि कहाँ पर है। सदर बाजार के आसपास ही है वो, जहाँ उस दिन गए थे। सो हम घूमने जा रहे हैं आज रिलायंस मार्ट, और आपको भी दिखाएंगे। वहाँ अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। और वहाँ मतलब राशन की चीज़ें मतलब ऐसा कुछ डिस्काउंट में चल रहा होता है, उस वो वहीं से लेके आते हैं। और मैं तो घूमने जा रही हूँ वैसे तो आपको भी घुमाऊंगी रिलायंस स्मार्ट। अभी मैं नहाने लगी हूँ, नहा के रेडी होके मिलती हूँ आपसे। आप सोच रहे होगे कि मैं रोज ही कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हूँ ऐसी बात नहीं है। अभी मिस्टर बजाज के साथ मंदिर वगैरह गई थी, और एमबीएस मॉल तो हमने मतलब गुरुग्राम में शिफ्ट होने से पहले ही देख लिया था। और बस एक दो चीजें और देखी है, यहाँ की साइबर सिटी है वो देखी है, तो वो सब यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले ही एक दो चीजें देखी थी, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे। और अब मिस्टर बजाज होते हैं बिजी, तो मुझे ऐसे है कि घर पे रह के तो कुछ नहीं हो सकता, जॉब ये करने नहीं देते हैं, तो ऐसे घर पे बैठ के तो बस घर पे ही बैठी रहूंगी। इसीलिए मैं घूमने का प्लान बना लेती हूँ कि मुझे सब कुछ गुरुग्राम का पता चलता रहे, कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, क्योंकि मैं गुरुग्राम में इससे पहले बस एक ही बार आई हूँ शिफ्ट होने से पहले, तो मुझे ज्यादा नहीं पता है। जॉब करने वाले बंदे को धीरे धीरे पता लग जाता है सारी सिटी का, और मैंने तो घर पे रहना होता है, तो अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था, तो अब थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया है, क्योंकि मंदिर वगैरह जाते हैं सैटरडे को, सब्जी मंडी जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया है। इसीलिए मुझे ऐसा होता है कि कोई जा रहा है तो मैं उसके साथ चल ही जाऊं, मुझे सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि अब रहना तो यही है यार, इन्होंने जॉब यही करनी है तो सब कुछ पता होना चाहिए यार, कई बार बंदे को कुछ इमरजेंसी हो जाती है। सो मैं लगी हूँ नहाने, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, अकेला कॉम करने वाला रह गया है। मैंने लगाया है आई लाइनर, गीला है अभी, तभी तो आईज पूरी नहीं खोल ली। सो गाइस, कॉम करके मैं जाने लगी हूँ, तो मिलती हूँ आपसे ऑन द वे, रास्ते में मिलूंगी आपसे और आपको दिखाऊंगी भी। सो अभी मैं कॉम कर लूँ, फिर मैंने जाना होगा। सो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपको दिखाऊं। मैंने ये टॉप लिया था, ये टॉप लिया था मैंने 200 का, हमारे नीचे लगी थी सेल क्या थी, मतलब 250 के टॉप्स थे, और 250 के टॉप्स से अगर हम 4 लेंगे तो उसके साथ एक फ्री है। तो मैं और सपना ने, मेरी फ्रेंड ने, 3 मैंने ले लिए क्योंकि उसके साइज के नहीं थे, तो 2 उसने ले लिए। हमें ये सारे टॉप 200 के पड़े हैं। ये मैंने किसी और शॉप से लिया था, ये भी 200 का ही मिला। और कल जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा 11 मंथ एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, वो भी 200 का है। और क्योंकि गाइज मेरे को कपड़े सूट नहीं करते हैं, मतलब ना कुछ हो ही जाता है कि मेरा पहनने का फिर मन ही नहीं करता। मैं मुश्किल से 10-12 बार पहनती हूँ, क्योंकि घर पे तो कैपरी सूट ही पहनना होता है, कहीं जाना होता है, तो ऐसे करके मेरा साल निकल जाता है। तो मुझे बस सस्ते सस्ते कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो जो मैंने वो टॉप पहना हुआ था वो भी 200 का था, जो शर्ट टाइप 11 मंथ एनिवर्सरी का केक कट किया तब पहना हुआ था। और कौन सा था, हाँ, जो उस दिन हम सदर बाजार घूमने गए थे उस दिन जो टॉप पहना हुआ था वो भी 200 का ही था। वो लिए थे दोनों, और एक अभी मैंने पहना नहीं है, जब पहनूंगी तब बताऊंगी। वो टी शर्ट टाइप है। मुझे बस ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पहनने होते हैं। जब पहनती हूँ 2 महीने बाद तो थोड़ी मोटी हो जाती हूँ, फिर वो फंस जाते हैं, बस यही वजह है। तो गाइज मैं बस 200, 300, 400 बस यहाँ तक के ही कपड़े लेती हूँ। टॉप ही तो लेने होते हैं, जीन्स 1000 की आ जाती है, 800, 900 इतने में, तो जीन्स तो काफी टाइम चलती रहती है, काफी कलर्स हैं जीन्स में मेरे पास, तो अकेले टॉप ही लेने होते हैं, तो मुझे बस ऐसे ही टॉप अच्छे लगते हैं। तो दिखाऊंगी जिस दिन वो थर्ड वाला पहना, तो हम दोनों ने 5 टॉप ले लिए थे, 4 लेने थे, एक फ्री था, तो हम दोनों ने डिवाइड कर लिया, 200 आ गया, हमें उसको भी फायदा हो गया, मेरे को भी फायदा हो गया। सो गाइज कॉम करके मिलती हूँ आपसे। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी, और बस
अभी मैं जा रही हूँ सपना के घर जा रही हूँ, मतलब उसके फ्लैट में, उसको अभी 5 मिनट लगेंगे, तो वहां जाके मिलती हूँ आपसे। मैं कभी भी पर्स लेके नहीं जाती हूँ, आज मैं पर्स लेके जा रही हूँ, देखो। तो मैं पर्स लेके, मुझे उठाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पर्स लेके जा रही हूँ आज, तो मिलती हूँ आपसे जाके। बाय गाइज। गाइज मौसम हो रखा है बहुत ज्यादा अच्छा, ये देखो हवा चल रही है पूरी, आपको दिखाई नहीं देगा पर मौसम मस्त हो रखा है, पूरा ठंडा हो रखा है। ये रही सपना, अभी ये रेडी नहीं हुई है, हो गई चश्मे वाली आ गई। ये दोनों माँ बेटी चश्मा लगा के रखती है। वहां जाके दिखाते हैं। हम पहुंच गए थे सोना रोड, हम आए थे सोना चौक, सोना चौक से ऑटो लिया था, हम जा रहे हैं रिलायंस क्रश, तो हम पहुंचने वाले हैं बस, पहुंच जाएंगे 2-3 मिनट में, है ना। ये है अनाया, शरारती बच्ची। सुना रहे क्या किया था आपने घर पे, मक्खी पकड़ी थी, बताओ बोलो ना। मैंने अभी हम पहुंच गए हैं रिलायंस मार्ट, दिखाते हैं अंदर से। ऊपर जीने से चलोगे, फिर आएंगे नीचे। हाँ अरे आगे ऊपर। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं, हम हैं सेकंड फ्लोर पे और सभी चीजों में इतना डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट है और सही लग रहा है यार, रिलायंस मार्ट दिखाते हैं आपको। ले लोगे ना बस। सपना ने भरी है ट्रॉली। मैं बिजी नहीं, बाहर हूँ। ये नाया, क्या क्या लिया है नाया तुमने? ये तो मैंने दिखा दिया, बस रहने दो। झोले टांग रखे हैं। अब हम खाने के लिए कुछ जा रहे हैं, शॉपिंग तो हो गई है, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, तो अब हम क्या खाएंगे, मोमोज, मोमोज खाएंगे अब, हम दिखाएंगे आपको। हम खाने लगे हैं मोमोज, यहाँ के मोमोज, इसके चाउमीन बहुत अच्छे हैं, वो भी करेंगे टेस्ट। हम खाने लगे नूडल्स, अनाया को देखो कैसे लगी हुई है। देखो कैसे लगे हुए हैं। यार अच्छे बने हैं काफी, ना तो ज्यादा मिर्ची है, सही है। हाँ खाओ अनाया मोमोज। ऑटो हमें मिल गया है, ऑटो घर जा रहे हैं, थैले उठा के। सपना चश्मा ढूंढ रही है, अब चश्मा नहीं मिल रहा। हाँ सामान ज्यादा हो रहा है, चश्मा निकल नहीं रहा। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर, स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। सो ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये कैमरा जा रहा है नीचे नीचे नीचे। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसको अच्छा लगा, ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब थकावट हो चुकी है, अब करूंगी रेस्ट, फिलहाल तो पानी पीने लगती हूँ, पानी हमेशा बैठ के पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ।